नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अंकुर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पता करेंगे कि क्या हम 9 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ 9 वोल्ट की ख़राब बैटरी ले ली है। अब इन सभी को बारी बारी से हम इनकी वोल्टेज को चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, बैटरी के कुछ नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर सभी बैटरियों की एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जिस भी बैटरी को आप चार्ज करना चाहते हो, सबसे पहले उसकी आप एक्सपायरी डेट जो चेक करना। उसके बाद में दोस्तों, हमने यहाँ पर एक मल्टीमीटर ले लिया। मल्टीमीटर के साथ में दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज को चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इनमें से मैंने एक बैटरी को ले लिया। उसके बाद में दोस्तों, हम इसको मल्टीमीटर की पिन के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं इसकी अंदर वोल्टेज कितनी है। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसको मल्टीमीटर की पिन के साथ कनेक्ट किया, इसमें कुल 0.28 करके सप्लाई आ रही है। ये ऑलमोस्ट हमारी ये वाली बैटरी पूरी डेड हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस बैटरी को हम साइड में रख देंगे। उसके बाद में दोस्तों, हमने यहाँ पर एक और बैटरी ली है। इस बैटरी में दोस्तों फुल वोल्टेज आ रही है 8.99 करके फुल। ये वाली दोस्तों बैटरी हमारी फुल चार्ज है। तो चलिए दोस्तों, हम इन दोनों बैटरी को साइड में रख लेते हैं, बाकी सभी बैटरी को हटा देते हैं। उसके बाद में जिस बैटरी को हम चार्ज करेंगे, इस पर हम कुछ यहाँ पर मार्क वगैरह लगा कर निशान लगा देंगे, जिससे कि दोस्तों आपको पहचान रहे कि हमने यही वाली बैटरी ली है, हमने कोई बैटरी को चेंज वगैरह नहीं किया। उसके लिए हम यहाँ पर मार्कर लेकर इसके ऊपर एक निशान लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए। उसके साथ साथ हम यहाँ पर बैटरी के पीछे वाले हिस्से में भी एक छोटा सा निशान लगा देंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से इस बैटरी के पेंट को थोड़ा सा हमने यहाँ पर घिस दिया। आप ध्यान से देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्रॉस का निशान बना दिया। इससे दोस्तों आपको बैटरी की पहचान काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, हमने यहाँ पर एक अडेप्टर लिया है। दोस्तों, हमने यहाँ पर 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का एक अडेप्टर ले लिया है। जब भी दोस्तों आप 9 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करो, तो आपको ध्यान रखना है, आपको 9 वोल्ट से ज़्यादा का ही चार्जर ले लेना है, तो ये बैटरी आपकी चार्ज हो पाएगी, नहीं तो ये बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप चाहे तो अडेप्टर को डायरेक्ट काट कर भी उसकी पिन को बैटरी के ऊपर सोल्ड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एक अदर से अडेप्टर का यूज़ करेंगे। ये देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर बैटरी का कनेक्टर ले लिया है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा एक फीमेल सॉकेट लेंगे। उस फीमेल सॉकेट को दोस्तों, हम यहाँ पर बैटरी के कनेक्टर के साथ में कनेक्ट कर देंगे सोल्डिंग कर। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर कनेक्टर को अच्छे से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद में दोस्तों, हम यहाँ पर बैटरी को एक बार आपको चेक करा के दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर दोनों बैटरी को ले लिया। सबसे पहले हम यहाँ पर लो वाली बैटरी के साथ में फ़ैन को मोटर को चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी बैटरी जैसे ही वर्क नहीं कर। उसके बाद में दोस्तों, हमने यहाँ पर फुल वाली बैटरी को भी लिया। उसके साथ में दोस्तों, हम यहाँ पर आपको अच्छे से फ़ैन को चला कर दिखा दिया। उसके बाद में दोस्तों, हम यहाँ पर बैटरी को चार्ज करने के लिए लगा देंगे। चार्ज करने के लिए हमने यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया। उसके बाद में दोस्तों, हम यहाँ पर अडेप्टर को लेकर एक्सटेंशन बोर्ड के साथ में लगा देंगे। एक बार हम आपको चार्जर को भी चेक करा के दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मल्टीमीटर ले लिया। मल्टीमीटर के लेने के बाद में दोस्तों, हमने यहाँ पर मल्टीमीटर के पिन को चार्जर के साथ में लगा कर देखें। दोस्तों, जो चार्जर का जो दोस्तों बीच वाला हिस्सा होता है, वो पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला नेगेटिव। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसको लगाया, हमने थोड़ा सा इसको अच्छे से दबा कर लगाया, तो ये देखिए दोस्तों, 11 वोल्ट से ऊपर हमारे मल्टीमीटर में सप्लाई आ रही है। उसके बाद में दोस्तों, हम इसको चार्जर को बैटरी के साथ में कनेक्ट करके चार्जिंग के लिए रख देंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस बैटरी को चार्ज करो, आपको लगभग लगभग आपको 3 से 4 मिनट ही इसको चार्ज करना है। इससे ज़्यादा आपको इसको चार्ज नहीं करना। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक के लिए लगाते हैं, तो दोस्तों आपकी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसको कुछ देर के लिए इसको चार्जिंग के लिए लगा कर छोड़ देंगे। हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट इसको चार्जिंग के लिए लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों, हम यहाँ पर अडेप्टर को बंद करके इसके चार्जिंग को हटा देंगे। उसके बाद में दोस्तों, सबसे पहले मैं मल्टीमीटर से आपको बैटरी की वोल्टेज को चेक करा देता हूँ कि हमारी बैटरी कितना चार्ज हुई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर ले लिया। मल्टीमीटर के दोनों पिन को हम यहाँ पर बैटरी के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने पिन को बैटरी के ऊपर लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पर 9 वोल्ट से ऊपर आपको मल्टीमीटर में वोल्टेज शो हो रही हो। हमारी बैटरी जो है, वो लगभग फुल हो चुकी है। अब उसके दोस्तों, हम फ़ैन को चला कर दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने वही वाला फ़ैन है जो हमने पहले लगाया था, वो पहले इस पर वर्क नहीं करा था, बस अच्छे से इसको चला रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों, हम यहाँ पर एक बार आपको अच्छे से चला कर दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ देर तक के लिए इस बैटरी को मोटर के साथ में कनेक्ट करते थे, तो हमारी मोटर की कनेक्ट जो है, मोटर भी बंद हो चुका है। और दोस्तों, अब हम यहाँ पर बैटरी की सप्लाई को चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी बैटरी भी लगभग हमारे 5 वोल्ट तक चार्ज बचा है इसके अंदर। तो दोस्तों, आप इस मेथड से देख सकते हो, आप इस मेथड से बैटरी को तो चार्ज कर सकते हो, बट वो काफ़ी जल्दी डिक्रीज हो जाती है।
बैटरी जो हम यहाँ से मार्केट से एक बार खरीद कर लाते हैं दोस्तों, मार्केट से लाई हुई बैटरी काफ़ी देर तक चलती है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस मार्केट वाली बैटरी को अच्छे से हमने यहाँ पर इसको मोटर को चलाया। उसके बाद में अगर दोस्तों हम इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं तो इसकी वोल्टेज जैसे पहले थी ऐसी कैसी है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी ऑलरेडी एक बार चार्ज होकर आती है मार्केट से बैटरी, वो काफ़ी देर तक चलती है, और जो हम उसको चार्ज करते हैं रिचार्ज करने के बाद में दोस्तों, वो काफ़ी जल्दी डिक्रीज हो जाती है। दोस्तों यही फ़र्क है दोस्तों, अगर आप घर पर चार्ज करते हो और मार्केट से जो चार्ज आती है, मार्केट से चार्ज होने वाली दोस्तों काफ़ी दिन तक चलती है। तो दोस्तों नॉलेज कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो। जय हिंद, जय भारत।